टीवी, सच साहस सरोकार। सपा के 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। भारत जोड़ो यात्रा का हुआ भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे उपस्थित। यूपी बोर्ड ने जारी की परीक्षा केंद्रों की सूची, जिले के 137 विद्यालयों को बनाया गया केंद्र। नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज, प्रत्याशी जनता को बता रहे अपनी उपलब्धियां। पार्षदों के लिए विदाई समारोह का आयोजन, महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कार्यक्रम। टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां विधायक वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जनपद बीकापुर पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि अयोध्या जनपद में लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों को आजादी के महत्व के संबंध में जागरूक कर सरकार के देश को टुकड़े टुकड़ों में बेचने की कोशिश नाकाम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने सपा नेता अखिलेश यादव और प्रसपा नेता शिवपाल यादव से मिलकर कहा कि चाचा भतीजे का एक अलग होना और एक सामाजिक होना प्रक्रिया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस से विपक्ष के रूप में एकमात्र विकल्प है। उस पार्टी को फिर से इस देश को सौंपना है। आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश को बचाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि देश के निर्माता, देश को बनाने वाले लोग देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, वो है राहुल गांधी जी। 2000 पकड़ किसकी मजबूत है? पकड़ मजबूत है उससे दमदारी के साथ कौन लड़ता नजर आ रहा है, ये पूरा प्रदेश जानता है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मुकाबला कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम अगर कोई किए हैं, तो वह है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को। खबर मैनपुरी से है, जहां लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सपा के दिबियापुर विधानसभा विधायक प्रदीश यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 40 सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अंदर से पूरी तैयारी कर रही है और जिस हिसाब से मैनपुरी लोकसभा में सारी जातियों के लोगों ने हमें समर्थन दिया, सारी जात के लोगों ने हमें वोट दिया, नेताजी का बनाया हुआ समाजवाद फिर से तैयार किया मैनपुरी में, उस समाजवाद को पूरे प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे और हर जात हर वर्ग के लोगों को जोड़ के अब की बार बहुमत के साथ लोकसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीते। खबर संभल से, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। बिजली, खाद, कृषि, टैक्स, किसान और मजदूर महंगाई की मार से परेशान है। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने संविदा कर्मचारियों का शोषण बंद करने और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है।
खबर कानपुर से है, जहां पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नगर निगम सदन के सभी 110 वार्डों के पार्षदों के लिए विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। महापौर ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, पार्षदों के साथ बिताए 5 वर्षों के कार्यकाल की सराहना की और महापौर ने गीत गाकर पार्षदों को विदाई दी। विदाई कार्यक्रम के दौरान कुछ महिला पार्षद भावुक हो गई तो कुछ ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने की बात कही। हमने अपने कार्यकाल में मैंने रात दिन मेहनत करके जनता की सेवा की है। मैं जनता के दरबार में थी, मैं जनता के बीच में थी। इन 5 सालों में सबसे खास कोई ऐसी याद जो आज मेरा सबसे खास काम यह है कि मैं यहाँ सबके लिए 8 घंटे रोज उपलब्ध रही। 11 से लेकर 5 बजे तक मैं अपने कार्यालय में बैठकर 5 साल मैंने जो मुझसे बना वो मैंने काम किया। देखिए पूरा तो कभी किसी भगवान नहीं पूरा कर पाए, मैं तो मनुष्य थी, मैंने सब काम पूरा किया। मेरा 2-3 काम। खबर बस्ती से है, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा प्रयागराज ने वर्ष 2023 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। जिले के 137 विद्यालय केंद्रों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बोर्ड कार्यालय परीक्षा केंद्रों का चयन ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड कार्यालय में हुआ। DIOAD यादव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के संबंध में आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर थी, जिसमें कुल 68 आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षा परिषद से जनपद में कुल 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उसके संबंध में जनपद में आपत्तियां आमंत्रित की गई। कल दिनांक 14 उसकी लास्ट डेट थी और लास्ट डेट तक जो है कुल हमारे पास 68 आपत्तियां आई हैं परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए। 52 आपत्तियां आई हैं कि उनके बच्चों का दूर आवंटन हो गया है। 27 आपत्तियां केंद्रों द्वारा की गई हैं कि हमारे यहाँ धारण क्षमता से अधिक दे दिया गया है और 7 विद्यालयों ने कहा है कि हम जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उस ढंग के हैं कि हम परीक्षा करा सकें। ऑनलाइन खबर फतेहपुर से है, जहां बार बार चोरी की वारदात से परेशान मलवा निवासी व्यापारी ने SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला सभा के किसान नेता ने प्रभारी निरीक्षक पर चोरी से संबंधित घटनाओं पर कार्यवाही न करने पर नाराजगी व्यक्त की और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले को संज्ञान लेकर तत्वरित कार्यवाही की मांग की है। खुशी ट्रॉली के नाम से एक इनकी छोटी सी दुकान है, उसमें जिसमें की करीब लगभग 1 साल पहले चोरी हो गई थी। एक फैक्ट्री का जिसका मुझे नाम नहीं मालूम, फैक्ट्री के अंदर से पहली बार भी चोरी हुई, दोबारा फिर चोरी हुई है, जिसमें कि मलवा थाने में आज तक कोई मुलजिम खोल करके नहीं ला पाए हैं। आज हम लोग कप्तान साहब के यहाँ आए हुए हैं, कप्तान साहब जिसमें कि हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए और थाने खबर बुलंदशहर से है, जहां की गुलावठी नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर को साफ सुथरा करने के लिए प्रयासरत हैं। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन काले पहलवान और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान ने 8 छोटे वाहनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि नगर पालिका का बेहद अच्छा प्रयास है, अब शहर की हर छोटी से छोटी गली से कूड़ा आसानी से उठाया जा सकेगा। ई रिक्शा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरी झंडी देके रवाना करी है। इनको पालिका में इंट्रोड्यूस करने का हमारा उद्देश्य ये था कि जो शहर के व्यापारीगण जो मुख्य बाजार हैं, स्पेशली जो कूड़ा सूखा कूड़ा बेसिकली वहाँ से जनरेट होता है, वो हम अलग तरीके से उसको वहाँ से उठा सकें और जो ये नालों में कूड़ा डालने की परंपरा है इस पर कुछ रोक या अंकुश लगा सकें। दूसरा उद्देश्य हमारा सब्जी मंडी के तहत जो कूड़ा सब्जी हरी सब्जी वाले हैं वो कूड़े को इस्तेमाल करके नालियों में ना डालें, वो सीधे सीधे इसमें ना बेसिकली शॉप टू शॉप ये गाड़ियां जाएंगी और जो है उनके डस्टबिन से कूड़ा लेकर और सेगरेटेड कूड़ा लेंगी, अलग अलग कूड़ा लेंगी। इससे हम स्वच्छ भारत मिशन के 2 मानकों को पूरा कर पाएंगे।
खबर गोंडा से है। जामो के विकास अधिकारी के निर्देश पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए डाइनिंग सेट का निर्माण कराया जा रहा है। 2600 विद्यालयों में डाइनिंग सेट बनवाने का लक्ष्य है। वर्तमान में 12 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य विकास अधिकारी ने छात्रों को शिक्षा के प्रति लगाव और उचित खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की पहल की है। जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में एक प्रयास जो है यहाँ किया जा रहा है कि अधिक से अधिक विद्यालयों में डाइनिंग शेड, जिसे MDM शेड का भी नाम दिया गया है, बनाए जा सके। ये एक टेम्प्रेरी शेड के रूप में रहेंगे जिसमें एक मेस टाइप की व्यवस्था हो सके, जिसमें सीमेंटेड बेंच और डेस्क हो जहाँ बच्चे बैठकर खाना खा सकें, ताकि कोई पक्षी ऊपर से जा रहा है या धूल मिट्टी बारिश, ऐसे किसी भी परिस्थिति में बच्चे आराम से सुरक्षित रूप से हाइजीनिक खाना खा सकें। इसको यथासंभव किचन के पास बनाया जा रहा है। वर्तमान में 9 विद्यालयों में ऐसा डाइनिंग शेड जो है बनाया जा चुका है और अभी लगभग 20 विद्यालयों में जो है अभी और जो है निर्माणाधीन। खबर बांदा से है, जहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली में एक लड़की की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक युवती के साथ दुष्कर्म करने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय निवासियों और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है, पूरे मामले में जांच पड़ताल कर दोषियों के जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हम लोगों को कि इसमें एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी घर में है और उसकी हत्या कर दी गई है। तत्कालीन सूचना पर हम सभी अधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। इसमें जो मृतका हैं भोला देवी, उनकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष की है और कमरे में वो रात में सो रही थी, उस दौरान ये उनके साथ घटना हुई है। इसमें घटना में बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है, FIR लिखवाई जा रही है। ससुर जी अंदर गए जब पता चला। तो क्या देखा, क्या हुआ? ये गर्दन कटी हुई कह रहे हैं बॉडी की, मैं तो देखी भी नहीं, ना ही गई हूँ अंदर, फिर अभी सुबह देखा है। जब देखा तो किसको सूचना दी है आप लोगों ने? सबको, बाहर वालों को आवाज लगाया, बताया, सब लोग आए, सब लोग देखे, तब पता चला। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर में एक मकान मालिक ने रुपए की लालच में किराएदार की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को मुराद नगर गंग नहर के आसपास इलाके में फेंक दिया। मृतक युवक के दोस्तों की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस अधिकारियों ने हत्या के मुख्य आरोपी उमेश, उसकी पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मृतक युवक लखनऊ से PhD कर रहा था। पैतृक संपत्ति बेचने से प्राप्त करीब 1.5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे, जिसके कारण मकान मालिक ने रुपए की लालच में युवक की हत्या कर दी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक युवक के साथ कुछ दबंगों ने बीच सड़क पर लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के वक्त उपस्थित राहगीरों ने दबंगों से उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परसों शाम को 12 तारीख को 7:30 बजे बाजार से आ रही थी, तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले मुलायम, बबलू, अनारकली, राजेश, अनिल, संजू, राजेश्वरी, ये सब मिलके झुंड बना के खड़े थे। मेरे भाई ने उन्होंने रास्ते से हटने के लिए कहा तो उन्होंने अचानक से मारपीट स्टार्ट कर दी। जब मैं अपने भाई को बचाने के लिए गई तो उन्होंने मेरे को धक्का देके रोड पे गिर दिया। उसके बाद वो लाठी डंडों से उसको मारने लगे बुरी तरीके से, और उसके बाद धीरे धीरे, मतलब जब वो उसको रोड पे खींच के लाए, उसके बाद उन्होंने धारदार हथियार से उसके गले में वार किया, जिसके बाद वो अपनी गर्दन पकड़ के दुकान पर गिर गया। उसके बाद 112 नंबर आई और वो उसको अस्पताल ले गई और मैं थाने में जाके मैंने अपनी तहरीर दी जाके। खबर देवरिया से है, नगर पंचायत चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करें और स्थानीय जनता से अपनी उपलब्धियां बताकर लुभाने में जुटे हैं। सभासद प्रत्याशी संजय गुप्ता ने जनता के वार्ड की चौमुखी विकास के साथ युवाओं को नई सोच देने का कार्य करूंगा, स्थानीय जनता के मूलभूत समस्याओं के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पहले मैं प्राइम टीवी को धन्यवाद देता हूं जो हमारी आवाज जनता को पहुँचाएंगे लोग,
और हमारा यही मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहाँ रजला देवरिया खास जो पहले ग्राम प्रधानी में था, अब प्रधानी में था, अब हम लोग नगर पालिका में हम लोग का विस्तार जो नया हुआ है हम लोग उसमें आ गए हैं। हम लोग बहुत यहाँ पे चूँकि देखा जाए तो प्रधानी के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ है, चाहे आवास का हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाला हो, चाहे लाइट हो, या हम किसी ऐसे प्रकार की बहुत पीछे हम लोग का क्षेत्र चूँकि चला गया है। हम लोग के यहाँ काम की दृष्टि देखा जाए तो हम लोग शहर के पास में रहकर हम लोग आजकल बहुत पीछे चले हैं, क्योंकि हम लोग सड़क के उस बगल देखेंगे कि रोड है, नाला है, शहर में मिलेगा, और हमारे यहाँ गांव में चूँकि हम लोग बहुत गांव के मामले में बहुत पीछे चले गए हैं। हम लोग का यही मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग को नए सिरे से अपने क्षेत्र में ऐसा विकास करेंगे कि लोग कहें कि हाँ कोई यहाँ पे काम करता है। खबर कन्नौज से है जहाँ नरुया गांव में वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान में हैंडपंपिंग की बोरी को लेकर कहा सुन नहीं। वर्तमान प्रधान और सहयोगियों ने पूर्व प्रधान अरुण कुमार शाह के समेत उनके भाई पीटने के बाद अपने घर में बंद कर दिए। पुलिस की सूचना पर आरोपी प्रधान पीड़ितों को सड़क पर फेंक कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान घायलों की मौत हो गई। सायंकाल दो पक्षों के मध्य आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। आरोपीगण को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।